दो तो साल से पहले कुछ नहीं बनने वाला आपका मतलब इवन अगर कोई ऐसा क्रिएटर बोल रहा है आपको कि ये फॉलो कर लो आप छह महीने में लाख रुपए कमाने लग जाओगे वॉट टू यू से कमाएगा वो बंदा तो नहीं वेलकम टू बनता है आज मैं लेके आया हूँ एक बहुत अवेटेड एसीओ एक्सपर्ट की तरफ से एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट जो मेरे को लगता है काफी सारे जो एसीयू की ऑडियंस है मेरी या जो भी लोग एसीयू करते हैं या एस में अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट होने वाला है एंड तक जुड़े रहिएगा इस पॉडकास्ट के साथ क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में हम काफी जरूरी बातें करने वाले हैं जैसे कि कि अगर आप एक एस हैं अगर आप अपने करियर को एक टिपिकल कॉपरेट में या एक जॉब बैकग्राउंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप वो कैसे कर सकते हैं कैसे आप बड़ी बड़ी कंपनीज के एस हेड एस मैनेजर बन सकते हैं अगर आप एस से स्टार्ट करना चाहते हैं तो राइट रोड मैप क्या होगा एस का आज दो में अगर आपको शुरू करना है एंड इसके साथ साथ थोड़ी सी बात करेंगे अबाउट AI, कैसे ए आई एस सी ओ को इफेक्ट कर रहा है कैसी बड़ी ब्रांड्स अब एस सी ओ को सीरियसली क्यों लेने लग रही हैं एंड आप अगर एक बिगनर एस सी ओ या एक बिगनर ब्लॉगर हो तो आपके लिए राइट right अप्रोच क्या होगा एस सी ओ में अपनी जर्नी को आगे मूव फॉरवर्ड करने के लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स वेलकम आर गेस्ट सैलेश अगेन थैंक यू फॉर कमिंग इन ही ड्रोव मतलब अगेन यू नो कोई भी हमारे पॉडकास्ट पे आता है मेरे को स्पेशली बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कोई अपना इतना इंपॉर्टेंट प्रीशियस टाइम निकाल के आ रहा है अपने तीन चार घंटे मेरे को दे रहा है हमारी ऑडियंस के लिए दे रहा है सो अगेन थैंक यू अगेन सो मच शैलेश आने के लिए एंड क्विक सा इंट्रो हमारी ऑडियंस के लिए और जो भी नए लोग देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को अपने आप को आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे हाई मैंने भी शैलेष वेल थैंक सो आई स्टार्ट माई जर्नी इन टू थाउजेंड फिफ्टीन अच्छा एज अ कंटेंट अच्छा उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स में मूव हुआ एंड देन मूव टू लाइक कैश करो नाउ वर्किंग एट इमामी एंड हैंडिंग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऑन थे सो बिगिनिंग वाज गुड नाउ हैंडिंग अ बिग जाइंट इन टर्म्स ऑफ एफ एफ जी ओके करेंटली आप ऐसी हो कहाँ कर रहे हो आई एम मैनेजिंग डिफरेंट प्रोजेक्ट है इमामी लिमिटेड अच्छा यू मस्ट अवेयर अबाउट जेंडू एंड डिफरेंट इमामी के जो ब्रांड्स हैं हाँ द मैन कंपनी ऑन देर हाँ तो आई एम हैंडलिंग दैट मतलब उनके लिए आप एस सी ओ करते हो मतलब इतनी बड़ी ब्रांड्स के लिए एस सी यू कर रहे हैं कनेक्ट इट सो आपकी लाइक शुरुआत कैसे हुई एस सी यू में हाउ डिड यू गेट इन टू एस सी यू और आपने एस सी यू क्यों चुना सो so, सी uh, इसमें एस सी यू आज स्टार्टेड आउट ऑफ माई पैशन आई वॉन्ट टू राइट राइट समथिंग लर्न अबाउट दिख हाउ दिस वर्क एंड टू लाइक इन द टॉप रैंक कैसे आता है कैसे नहीं आता तो आई स्टार्टेड एज अ अंड राइटर एंड आई आउट इन द एजेंसी की मैंने आप

बट अगेन मेरा एक ओवर सुनिता था मेरा ऑटोमे में था बट बिकॉज मेरा सेशन तो ग्रो किए हैं तो मैंने उसी पर की थी इफ आई कैन ग्रो मैटर कैन ग्रो यूर ऑल्सो बेड ऑन डेट आई गेसा लगा मैंने वहाँ पर चार साल काम किया चार साल कैश करा मैं हाँ बेस्कली फ्रॉम स्टार्टिंग द पॉइंट बाद में पाँच छह महीने तो हमारा जैसे जब रिजाइन करते तो वो प्रोवेशन पेट चलता था तो उसके बीच पे कैन से साढ़े चार साल काम किया

और इसमें एक कोई ई कॉमर्स है शॉपिंग पे बोला बेस्ट बिजनेस है हम मैक्सिम दवाए या जितने एफ एम सी में, में प्रोडक्ट्स आते है, वे हैं mm -hmm. तो, वे बेचते है। हैं तो कंपेयर टू एन डिफरेंट नॉम वहां पर ट्रैफिक कैश करो बैंक काफी अच्छी ग्रोथी टू हंड्रेड परसेंट And I am saying about a single physical year. Hmm. I stayed for three physical years there. तो हर विज़ गले में एक कंस्टेंटल दिखी है। कैश को मेरे मांबस मल्टीबल एक मतलब किससर सेस्सरल कंपनीज़ थी। तो इफ़ यू हैव हैर्ड अबाउट अन करो। अन करो, यस। तो अन करो मैंने स्टार्ट किया जब फ़ोन बिग में, ट्राईबस जीरो ऑन देर ब्लॉक सेक्शन। आई गोइड फ्रॉम जीरो ट प्योरली एफ्रेड बिजनेस तो उसको ग्रो करना भी एक चैलेंज थार एन बैकलिंग है प्लान अभी भी वही प्लान छोड़ा क्या बात है ठीक uh, है उसके पहले जो गाड़ी पॉइंट था hmm. गाड़ी पॉइंट वॉज वन ऑफ द लीडिंग एंड कम्पीट विद कार वाली कार देखो एट दट मोवमेंट

अब जैसे किसी बंदे का मैंने देखा तो हम अपने चैनल पर ब्लॉग रिव्यू सीरीज करते हैं hmm. जहाँ पे मैं लोगों को कहता हूँ अपने ब्लॉग सबमिट करो आई विल गिव यू अ फ्री फ्री टिप दूंगा मैं आपको hmm. पूरा आपको ब्लॉग रिव्यू करूंगा एंड उसके अकॉर्डिंगली आप ब्लॉग पे इंप्रूवमेंट्स कर सकते हो राइट hmm. एक वीडियो बनाता हूँ तीस चालीस ब्लॉग को रिव्यू करता हूँ बिकॉज आपको पता है परसेंट लोग तो उस लेवल तक जा ही नहीं पाते जितनी सीरियसनेस चाहिए होती है उसको क्योंकि उसको टिप देना सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा कंसिडरिंग जिसने बस चार आर्टिकल डाल के सबमिट तो kind of कर दिया नाइनटी परसेंट केसेस में यू यू बिलीव और मे बी यू विल अग्री कि नाइन्टी परसेंट ब्लॉग जो मैं देखता हूँ ना उसपे लोगों ने एक महीना काम किया

पे एक्सपीरियंस बैकडअप था तीन चार साल का तब भी दो exactly. so, महीने में गेव अप महीने में गेव अप अपनी रिसर्च नहीं करते जो फेलो हैं उनको ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट फॉलो करने लग जाते हैं सो so, ये मैं बार बार कहता हूं कि आप अगर ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर रहे हो तो किट एटलीस्ट दो साल का टाइम तो दो, uh, दो साल से पहले कुछ नहीं बनने वाला आपका मतलब इवन अगर कोई ऐसा क्रिएटर बोल रहा है आपको

अब तो, ah. exactly. तो रेक्टुर। रिव्यू किए मतलब पिछले 6 महीने मैंने 500 प्लस ब्लॉग रिव्यू कर लिए है राइट सो मैं अगर बताऊं ना कि मैक्सिमम लोग का माइंडसेट क्या रहता है पहले टाइप के लोग क्या है ब्लॉग बनाया एक महीने के अंदर पोस्टिंग बंद दूसरे टाइप के लोग क्या है जो क्रिएटर्स बता रहे हैं उसी का कॉपी पेस्ट सेम से थोड़ा हो जाएंगे बट अब चैट एक्सेसिबल हो गया है। yeah. से content, मतलब वही चल रहा है चौथे टाइप के लोगों के लिए मेरे पास एक टिप है जो एक्चुअली में कुछ यूनिक फाइंड करते हैं टाइम दे के काम कर रहे हैं उनके लिए टिप ये कि हैंड इन हैंड आप एस में कुछ कर रहे हो ना यू शुड गेट इन टू अब मैं ये नैरेटिव बहुत बोलता हूँ कि भाई अगर आप को समझ आने लग गया है ना आपको एक महीने इंटर्नशिप कर लो बिना पैसे को दिमाग में बेस्ट वे टू लर्न बिकॉज वहां पे कोई ना कोई है आपको डायरेक्शन देने के लिए बिना आपसे पैसे लिए हमारी कंपनी में कोई आता है इंटर्नशिप करने बेसिक चेक लेते हैं मतलब चेकलिस्ट हमारी भी है ऐसे नहीं हम किसी को भी इंटर्नशिप पे ले आते हैं

ओके एंड सेकंड मेरे पास अप्रोच ये होती है कि यार मुझे ना इशू आ रहा है कि मैं फर्स्ट जॉब कैसे क्रैक करूँ हाँ ठीक है हाँ फर्स्ट जॉब कैसे क्रैक करें कैसे क्रैक करूँ ऐसी ना हो मैक्सम को मैंने कॉल भी पिक किया है इससे

लोग कनेक्शन देख के मैसेज सीन कर रहे हैं जवाब नहीं दे रहे भाई बी क्लियर नहीं करना पता तो यार। दिखा यार। दिखा बता दो तो यार बता दो अभी तुम बहुत छोटे यूट्यूबर हो बीस हजार वालों पर हम नहीं आते हम छह लाख रुपए पॉडकास्ट में जाते हैं ठीक है मतलब <laughs> तो ये भी चल रहा है मार्केट में कि पीपल आर चार्जिंग लाइक सिक्स सेवन लाख रुपीज हाँ बड़े पॉडकास्ट है ना मतलब फाउंडर्स आर गोइंग बिकॉज स्पॉन्सर वो करेंगे तो इतना फायदा आएगा नहीं

तो खुद ही वर्ड प्लस ब्लॉक स्टार्ट किया खुद ही mm. सीखा आ, उस टाइम में कुछ कुछ थी mm. कुछ बेसिक कोर्स है बहुत mm. like, yeah, सारा कॉन्टेंट है, है. में, मैं हमारे कम जब हमने तो कुछ नहीं कुछ भी था ठीक है

मैं कि मैंने कहा सिर्फ सीवी के बेस पे आप अप्रोच करेगी देखो मैंने बीसी सी ए करनी है मैंने एम ए करनी है मैंने ये करनी है आप इसे से एन ए ले लो लेकिन तब भी एक पर्सन जिसने कुछ नहीं किया होगा स्टिल ही ब्लॉग एंड विद द ट्रैफिक प्रैक्टिकल आई विल पिक दैट अग्री अगर मुझे अभी एग्जीक्यूट कराना है आई एम नॉट हायरिंग एन ए पर्सन जैसे फ्रेशर है जो नहीं उसमें भी है कि जैसे कह रहे थे एम बी ग्रेजुएट आप मुझे हायर अकेडिंग में ले लो आई विल ग्रो हाँ यार यू यू कैन जस्ट रीब्रांड दैट और मे बी यू कैन जस्ट हेल्प इन बिगर टारगेट्स बट मुझे काम कर रहे हैं एंडल व्य एक्शन पार्ट आर दन लीड कर दस साल में किसी कंपनी का डायरेक्टर बनता है मैनेजर बन सी आर मडल है यहाँ hmm. hmm. पर अलग एस सी डायरेक्टर अलग है ठीक है एंड पेर मार्केटिंग डायरेक्टर अलग है तो स्कोप है स्कोप में ऐसे कोई है. स्कोप तो बहुत है yeah. बट अगेन यू नो दैट्स वेयर यू नो लोगों को अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है एंड दैट इज ये सब फिल्म कर रहे हैं सब शूट कर रहे हैं ताकि हम लोगों को अवेयर कर पाए कि वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अगर मैं भी एज अ कंपनी स्टैंड पॉइंट बताऊँ सो जब भी मैं भी हायरिंग करता हूँ ना द फर्स्ट थिंग आई लुक एट इज जो उन्होंने टाइम लाइन मैंशन करी होती है कहाँ कहाँ काम करा है किन स्किल्स पे करा है क्या स्किल्स थी एक ऑब्वियसली सीवी प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी है बिकॉज़ आई स्टिल सी आज भी लोग ना वर्ड पे सीवी बना के भेज देते मतलब सिर्फ टेक्स्ट भरा हुआ है कुछ क्रिएटिव नहीं है उस, उसमें इसमें मैं एडिट करूँगा जैसे क्या होता है कि मैक्सिमम सीवी दैट आई गेट हां बिट इन इनिशियल जो एक साल के सीनियर से डेट्स ऑफ एक्सपीरियंस उनमें से मेरे को ऑटो क्या होता है मुझे समर आता है मुझे एनालिटिक्स आता है मुझे जाता है भाई क्या उखाड़ा है हैं मेरे तो नंबर्स

बिल्कुल सो so, आपको एज ए बिगिनर हमेशा काम करने बिल्डिंग ऑन योर स्किल्स इंप्लीमेंटेशन पे काम करना है कि आप चीजों को इंप्लीमेंट करके रिजल्ट लाओ hmm. रिजल्ट हो तो आपना two level आप ना टू लेवल आपको मैक्सिम क्या था so, hmm. चीज दे उसके लिए नहीं है ना नाग hmm. पोटेंशियल

जो इमाम कैटेगरी हैंडल करता हूँ ना कैश को गेट करना बस नोट है इजी बीजी कि आज सोचा कर मैंने उसके लिए पांच छह मिनट से प्लान किया था कि मुझे कैसे आउट करना है ओके गुड टर्म ऑल्सो बहुत बहुत जरूरी है बिकॉज सी एज अ फाउंडर ऑन इज अ गुड डेटा पर्सन एज एन एस सी की अप्रोच क्या हो सकती है

SEO को काफी चेंज होते देखा होगा। लास्ट hmm. एक साल में तो काफी चेंज चेंज आए। काफी हाउ डू यू सी दिस फॉरवर्ड मतलब वॉट एस सी ओ एंड ब्लॉगिंग लुक्स लाइक इन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी ट्वेंटी वर्क करेगा ओके okay. ठीक है डिपेंडिंग ऑनगरी

ब्रेनिन पर तो मैंने ऐसे दस टू गेट गेट अवेयरनेस हाँ बट स्टिल मतलब आई गेस काफ़ी डिसेंट आपकी प्रोफाइल डायनेमिक्स भी है अभी हाँ, मैंने बेसिकली सी मेरा ऑब्जेक्टिव ब्रेनिन पे ये था कि मैक्सिम बंदे ज्ञान होते रहे हाँ कि आप ये करो ये हो जाएगा ये करो ये हो जाएगा बट दे इज नो नथिंग मैट्रिक ठीक है टेन टिप्स हो जाएगा बट बट आई वॉन्टेड कि आई वॉन्ट बी फनी विथ हाँ थोड़ी प्रैक्टिकल एंड थोड़ी रिलेटेबल अप्रोच हो कि मैं कई सारे कम्युनिटी में भी जुड़ा हूँ कोई व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वहाँ पर मैं जुड़ा हूँ वहाँ भी

कि अशिनेश वट एवर यू आर डूइंग आई डिनॉप्टीज कीप और मैक्सिमम डोंट नो वाई मैक्सिमम गर्ल्स में मैसेज कर रही है ठीक है तो दैट्स अ गुड वे बिकॉज दे आर लर्निंग समथिंग न्यूड वाई देइंग बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करता बिकॉज दे आर नॉट पिचिंग दै बिजनेस कि मैं पहले तो मैं एक पर्सन लोन लिखूंगा फिर मैं कहूँगा देखो मैं प्रोवाइड कराता हूँ ठीक है दे आप अच्छा कर रहे हो आप जो भी कर रहे हो अच्छा अच्छा लगता है इन टर्म्स ऑफ वट एवर प्रोवाइडिंग एंड कीप डूइंग

अब सब सबको एफिलेट करना है सबको कुछ, कुछ कुछ करना है ऐसे ऐसी ठीक है, है मुझे अच्छा लगता है कि मेरे आसपास मेरे ऑफिस में क्या हूँ ठीक hmm. है मुझे एक अच्छा डेस्क चाहिए मुझे अच्छा पी चाहिए मुझे अच्छा पीछे वॉल चाहिए hmm. बेंडिंग्स चाहिए आई स्टार्ट इन दैट कैटेगरी आई नो कि मैं उसे छह मिनट में ग्रो कर लूंगा hmm. और उसमें यह भी नहीं उसमें लिमिटेड uh, है यू कैन टारगेट यू एस एल्सो यू कैन टारगेट एफलेट आल्सो बिकॉज एक वर्क स्पेस में आपको आप uh, टेबल पर बेचो तो वो भी आई कैपे

डेम्स लिख रहा है या कुछ जैसे बड़े प्लेन लिखते हैं।, हैं तो वो थोड़ा मैटर करता है तो आई थिंक ये थोड़ा चेक करना चाहिए करेक्ट सो अगेन थोड़ा सा फनी बनाते हुए अगर आप कोई तीन से चार ऐसी सी मिथ्स को बस्ट करना चाहते हो क्या होंगे? सो बेसिकली देख जैसे मैंने फील किया जैसे मैटा एज इंपोर्टेंट हाँ ठीक है ना इफ यू सी मैटा आप कुछ भी लिख दो लेकिन गूगल से वट आर टू शो इन करेक्ट करेट करेट ना सेकंड एज आता है कि भाई uh, जितना पैकिंग बनाओ उतना बेटर हाँ ठीक है बट आई थिंक वो

कुछ कुछ कौन है जो मेरे पास क्वेश्चन आते हैं ना क्विकली आंसर क्योंकि सो अभी तक हमने जैसे इतना कुछ हम ए के बारे में बात कर रहे हैं कि आप कैसे करते हो क्या करते हो सो आपकी ए सी ओ कैसी दिखती है एंड कौन से ऐसे ए सी यू टूल जो आप डेली यूज करते हो और आप लोगों को रेकमेंड करते हो जो एसी वट इज यो टूल किट इन जनरल मतलब सो so, कौन से टूल ए सी एम रश ए सी एम रश ओके

आपको और नए बैटिक्स दे रहा, जो hmm. oh, sorry, रहा, hmm. रहा है सैमस ने अभी तक प्रोवाइड नहीं किए हैं सैम सॉरी स्क्रीन फ्रॉग ने बट स्क्रीन फ्रॉग क्या आपको खुद का मैं लाना पड़ता है हाँ डेटा आपको सारा है हाउ टू क्रिएट डेटा एंड मैनेज एंड मैप सब मेजर मेजर थिंग क्योंकि आजकल काफ़ी क्लाउड टू लगे हैं आपको सब कुछ बनाए बनाए दे देंगे दे आपको सब कुछ फिक्स करना है hmm. तो ये थोड़ा एक so तो दैट्स योर वो एंड मतलब जो टूल आप नहीं भी यूज़ करते बट स्टिल यू रेकमेंड मतलब

एंड दे ट्राई टू अवॉइड इन्वेस्टिंग इन एस सी ओ अब वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है आई हैव सीन बिगर ब्रांड्स कमिंग इन टू एस सी ओ बट आपको क्यों लगता है कि क्यों ब्रांड्स को एस सी ओ को सीरियसली देना चाहिए एंड वो अवॉइड करती है तो क्यों करती है ठीक है देखो जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है मैक्सिम ब्रांड वॉन्स क्विक रिजल्ट अग्री एस एस क्विक्स तो कभी नहीं आएंगे कभी नहीं आएंगे ठीक है एंड एक्वेट भी कभी नहीं आएंगे कैफ यू आर प्रोजेक्टिंग योर बिजनेस लसब्स यू कैन

डिपेंडिंग ऑन कैटेगरी ओके सो लेट सपोज आपके सभी इनिशियल कैटेगरी बहुत एक्सपेंसिव है तो उसमें तो आपको एक बात देखना चाहिए कि आपको रिजल्ट कब आएगा इफ एस यू एक्सपर्ट या जो भी आप हेर कर रहे हो वो बता दें कि आप यू कैन एक्सपर्ट रिजल्ट इन दसोज वन ईयर यू स्टार्ट दिस किस वेट सम्स इन दिसम्बर बाई मार्च नेक्स्ट ईयर तो यू हैजर कैटेगरी फर्स्ट इफ़ यू सींग एनी गुड इम्पैक्ट इन लॉन्ग रन ऑल्सो नोट की शॉर्ट टर्म भी आना है लॉन्ग टर्म में आप कुछ देख रहे हो तो यू शूड इनवेस्ट कुछ नहीं होगा तो आपको एक फ्री की ब्रांडिंग मिल रही है इमामी में हमारा एक ब्लॉग था वो हायर बुरा इमामी तो वहाँ पर उस ब्लॉग का पर मंथे सेवन थाउजेंड से ज्यादा देते ठीक है एंड ऑल आयुर्वेदिक ओके, ऑल मेडिसिन टर्म्स या कॉम्प्लेक्स टर्म जिसपेट आई बिट जाएगा एवरेज बारह बारह पंद्रह जाती है बट hmm. hmm. उस उसी ब्लॉक से आई हम रिराइटिंग हमारे इमेड भी क्या हुआ है और वो ब्लॉक खुद इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस जैसे ब्लॉक से आ रहा है सिर्फ इंप्रेशन आ लेकिन सेल्स नहीं आ रही है वो ब्लॉक खुद अच्छी सेल्स जेनरेट करता है

So, that is it, दोस्तों मेरी तरफ से और सैलेश की तरफ से आज के इस पूरे पॉडकास्ट के लिए मुझे उम्मीद है कि आपको यह पॉडकास्ट काफी पसंद आया होगा अगर पसंद आए मत भूलना सैलेश को उनके लिंगडन पे फॉलो करने के लिए बिकॉज आईके साथ ज्यादा एक्टिव वहां पे, yeah. ही पे है। काफी ज्यादा आपको का ज्ञान इन, इनकी तरफ से आपको वहां पे मिलेगा एंड मेरे को भी मेरे क्लिप्स चैनल पे सब्सक्राइब करना मेरे क्लिप्स के इंस्टाग्राम पे और मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत बोलना इस चैनल पे पहली बार आ रहे हो सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब करो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में टेक केयर एंड बाय बाय